नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा दे, लेकिन भगवान का दिया हुआ आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके हाथों की लकीरें बस इस तरफ संकेत दे रही हैं कि आप राजा बनने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी की किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य में और आपकी कुंडली में भगवान ने जो जो लिख दिया है, वह दोस्तों आपको किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगा। और अगले 3 दिनों का जो ये समय है दोस्तों, वो आपके लिए बड़ा ही खास रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में जो आपको बातें बताई जा रही हैं, जो खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, से सुनने के बाद में भी आप भी बहुत बुरी तरह से हैरान हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें सच्चे मन से जय माता दी, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी के बिगड़े काम बन जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आइए जान लेते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं श्री कृष्ण के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ में। दोस्तों, अगर हम पानी को हाथ में पकड़ना चाहेंगे तो वो हाथ से फिसल जाएगा। दोस्तों, से बहने दीजिए, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभार कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें ये बात समझ नहीं आती है कि ज़िंदगी में आखिर आपकी चल क्या रहा है। लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। दोस्तों, बार बार असफलता ही आपके हाथ लग रही है और असफलता ही आपको चारों ओर से घेर लेती है दोस्तों, और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आप क्या करें। ऐसे समय में दोस्तों, आपको शांत होकर चित लगाकर व ज़िंदगी को एक तरफ देखते रहना चाहिए दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कि जीवन अपना मार्ग किस प्रकार स्वयं बना लेता है। और दोस्तों, आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है उससे आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज की वीडियो आपके लिए खजाना है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शिव शंकर, जय माता दी। दोस्तों, आपको अपने विचारों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक निश्चित समय के बाद में आपको थोड़ा ठंडा रहने की आवश्यकता है। एक साथी दोस्तों आपको बता दे कि कई बार ऐसे पल आपके सामने आएंगे कि आपको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, लेकिन आपको संयम रखने की आवश्यकता है। नए कार्यप्रत के साथ में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपकी सुधर जाएंगी, तब आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, विशेष व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। दोस्तों, किसी भी मीटिंग आदि में वार्तालाप करते समय रूपरेखा अवश्य ही बना लें। दोस्तों, किसी भी तरह का लेन देन ना करें तथा नकारात्मक गतिविधियों और लोगों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय का कार्य प्रणाली में सुधार आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि करियर संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, अच्छा स्वभाव आपको आकर्षण का केंद्र बना सकता है। दोस्तों, याद रखें कि लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, और दोस्तों लेकिन लोग ये नहीं भूलते हैं कि आपका व्यवहार कैसा था। दोस्तों, आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपके भविष्य को देखने में मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, किसी छोटी बात को लेकर भाइयों से अनबन हो सकती है। व्यावसायिक स्थितियों में कुछ नया करने का समय नहीं है। दोस्तों, आज का दिन नकारात्मक कार्य में व्यतीत हो सकता है। घर के साथ सज्जा के कार्य रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, संतान से करियर को लेकर कुछ समाचार मिलने से आपको प्रसन्नता हो सकती है। दोस्तों, गलत कार्य में समय व्यतीत करने से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। आपके स्वभाव में गुस्सा रिश्ते को खराब कर सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों पर भी दोस्तों अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, कब्ज हो सकता है। दोस्तों, सावधानी के बारे में बता दें, आप अच्छे लोगों के साथ में मिलते जुलते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की भी स्थिति बन सकती है, इसलिए दोस्तों आपको अपना उचित विचरण बना के चलना है।
भूमि संबंधी खरीद बिक्री के कारण में कुछ भी व्यवधान आ सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों लव लाइफ के बारे में। घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। परिवार जनों के साथ में खुशनुमा समय व्यतीत हो सकता है। लव पार्टनर के साथ में भी मुलाकात का अवसर भी मिलने को। दोस्तों आपके सितारे आपके लिए कुछ अलग ही संदेह दे रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपने साथी के साथ में बनाए किसी प्रोग्राम में विलंब होगा, जिसे आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। भाई बहन की परेशानियां भी चिंता का विषय बन सकती हैं। अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए दोस्तों आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों ये जो दिन है काफ़ी खास है आपके लिए। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, किसी बात का आपको बुरा नहीं मानना है और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बार बार एक गलती नहीं दोहरानी है। एक और गलती आपको बता देते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में दोस्तों आप अपने जीवन काल में किसी तीसरे स्थान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों ये अच्छी बात है कि आप दूसरों पर भरोसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, दोस्तों आपका मजबूर पक्ष क्या है। दोस्तों ऐसे लोग आपके सामने मुसीबत का ढोंग करते हैं और दोस्तों आप उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों तो आपका यही स्वभाव है कि आप अपने दोस्तों को कभी भी मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ते हैं और उन्हें ना ही कभी मुसीबत या फिर संकट में देखते हैं। दोस्तों जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब आप उनकी ज़रूरतों को ना देख करके उनकी मदद करते हैं। दोस्तों आप अपनी ज़रूरतों को नहीं देखते हैं और उनकी मदद कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में आपको ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन दोस्तों मदद करें, लेकिन आप इंसान को जानने और परखने के बाद में दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो हम बातें आपको बता रहे हैं इसे आप अपने जीवन पर सुचारू रूप से चलाएंगे। और दोस्तों आप ऐसी गलतियां अपने जीवन में कभी भी नहीं करेंगे जिसके द्वारा ना कभी किसी का बुरा हो और ना ही दोस्तों आप खुद का बुरा करें, क्योंकि दोस्तों आपका स्वभाव ऐसा है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं और इसका बड़ा ही दुखद परिणाम आपके सामने आता है। आप हमेशा ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आपके साथ में हैं वे लोग हमेशा सुखी रहें, लेकिन दोस्तों इसका उल्टा वो लोग करते हैं जिनका आप सुख करने की कोशिश करते हैं, जिनकी आप मदद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपका व्यक्तित्व बड़ा ही चंचल है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके आने वाले कल के लिए, आने वाले अगले 3 दिनों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।